नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिन्हा। देखिए, बिहार के जो प्रमुख खबरें हैं उनके साथ एक बार फिर से हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। जितनी भी प्रमुख खबरें हैं उन सभी पर हम चर्चा करेंगे और शुरुआत जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सचिवालय जाते हैं और सचिवालय जाने के रास्ते में इस बार अचानक से मुख्यमंत्री जो हैं पैदल ही निकल गए। और जब मुख्यमंत्री पैदल सचिवालय जा रहे थे तभी रास्ते में गाज जो गिरा हुआ था, गाज गिरे जाने पर जो हैं मुख्यमंत्री उसका निरीक्षण करने लगे और फिर निर्देश भी जारी किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गाज को गिरने को लेकर के निर्देश दिया, उसे हटवाने को लेकर के बात कही। वहीं आपको ये भी बता दें कि राजधानी पटना में बीती रात काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है। काफ़ी बारिश होने के साथ ही ओलावृष्टि भी हुई, जिस वजह से कई जगहों पर पेड़ भी गिर गए। आंधी तूफान के साथ बारिश होने की वजह से पेड़ गिरे हैं, कई जगहों पर रास्ता ब्लॉक हो गया। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं खुद सुबह सुबह निरीक्षण करने के लिए निकले थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो सचिवालय जा रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में ये पेड़ गिरा हुआ दिखा और फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो पेड़ का भी निरीक्षण करने लगे, फिर उसके बाद वो सचिवालय की ओर रवाना हो गए। वहीं अगर बात अब दूसरे खबर की करें तो सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें कि अब बिहार का जो विधानसभा सत्र है, जिस शीतकालीन सत्र होना है, जिसका एक विधानसभा सत्र का इंतज़ार हर किसी को रहता है क्योंकि कई प्रमुख मुद्दों पर चर्चा इस सत्र में होती है और कई जो बातें हैं वो सामने रखी जाती हैं। तो बता दें कि शीतकालीन सत्र जो है वो 6 नवंबर से 10 नवंबर के बीच चलने वाला है। इसकी तारीख तय कर ली गई है, 5 बैठकें होंगी, 5 दिन का ये शीतकालीन सत्र होगा। और इस शीतकालीन सत्र में सबसे बड़ा मुद्दा जो हो सकता है वो बता दें कि जातीय जनगणना को लेकर के हो सकता है। जातीय जनगणना पर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। वहीं विपक्ष जातीय जनगणना पर सवाल भी खड़े कर सकता है। और दूसरी अगर हम बात करें तो रोजगार पर हो सकता है, रोजगार को लेकर के जिस तरीके से एग्जाम्स में धांधली हो रही है उस पर भी विपक्ष जो है वो सवाल खड़ा कर सकता है। ये जो मुद्दे हैं इन मुद्दों के साथ में इस बार शीतकालीन सत्र में आवाज़ उठाई जा सकती है और शीतकालीन सत्र में हंगामा होगा। वहीं आपको बता दें कि 6 नवंबर से 10 नवंबर तक ये शीतकालीन सत्र चलेगा और इस दौरान जो है कई जो प्रमुख मुद्दे हैं वो उठाए जाएंगे। वहीं अगर हम आपको अब दूसरी खबर की बात करें तो बहुत जल्द बीपीएससी टीचर्स भर्ती परीक्षा का जो ये भी हो सकता है कि बहुत जल्द ये रिजल्ट जो है जारी कर दी जाए। 1 लाख से अधिक टीचर्स का जो ये रिजल्ट है वो जारी होना है, जिसका इंतजार सभी टीचर्स को है काफ़ी वक्त से, क्योंकि पहले भी एग्जाम्स लिए गए थे, उसके बाद फिर सरकार की तरफ से बीपीएससी को लेकर के एग्ज़ाम देने का ये आया कि राज्य कर्मी बनाया जाएगा। तो इस तौर पे फिर से दोबारा से एग्ज़ाम हुआ और अब कितने जो अभ्यर्थी हैं वो टीचर का ये जो राज्य कर्मी का दर्जा है वो प्राप्त कर पा रहे हैं, कितने टीचर्स इसमें पास कर पा रहे हैं। वहीं अगर बात अब हम दूसरी खबरों की करें तो बता दें मौसम की बात हम करेंगे कि जिस तरीके से मौसम में बदलाव है, अचानक से राजधानी पटना में आंधी तूफान बारिश और ओलावृष्टि देखी गई, जिसके बाद फिर मंगलवार को राजधानी पटना में धूप के साथ शुरुआत हुई है, गड़गड़ाती धूप के साथ में दिन की शुरुआत हुई और मौसम जो है अब फिर से उसी तरीके से वापस से जो है गर्मी भरा बन चुका है। लेकिन लोगों को बहुत जल्द राहत मिलने वाली है क्योंकि अब सुबह और शाम के वक्त ठंड का एहसास लोगों को होने लगा है। बहुत जल्द शीत जो है वो गिरना शुरू हो जाएगी और बहुत जल्द सर्दी का मौसम भी आ जाएगा। पहले ही मौसम विभाग के अनुसार जो है ये जानकारियां दी गई थी कि सुबह के वक्त और शाम के वक्त मौसम जो है वो ठंडा रहेगा, पारा गिरा हुआ रहेगा और दिन के वक्त पारा थोड़ा चढ़ा रहेगा। वहीं अब आपको बता दें कि जितनी भी प्रमुख खबरें हैं उन सभी के साथ में हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं, उन सभी के साथ हम आपसे बात कर रहे हैं, खबरों पर हम चर्चा कर रहे हैं। खबरों के लेकर की आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जिस भी खबर पर आप अपडेट चाहते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। वह फिर हम मिलेंगे आपसे अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए न्यूज़ पीआर।